दोस्तों अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों अंतिम ओवर में चाहिए थे 19 रन लेकिन ईमानदारी नहीं बल्कि बेईमानी करके जीता ऑस्ट्रेलिया। सामने आई ऐसी बड़ी सच्चाई जानकर सब रह गए हैरान। तो आखिर देश दुनिया भर के दिग्गज सानिया मिर्जा, अख्तर अफरीदी से लेकर सचिन सहवाग, धोनी तक ने क्या कहा, आईसीसी से क्या बड़ी मांग कर डाली, सब आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, रचिन रविंद्र और जेम्स निसम में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का 27वां मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने डेविड वार्नर के 81, ट्रेविस हेड के 109 तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल के 41 रन की बदौलत 388 रन बना डाले और 389 रन का लक्ष्य रखा। हालांकि इस बीच न्यूजीलैंड की गेंदबाजी अच्छी तो थी लेकिन गेंदबाजों ने रन काफी ज्यादा पड़वा दिए, जिनका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ा। और फिर जब 389 रन बनाने के लिए न्यूजीलैंड की टीम उतरी तो यहां पर डिवॉन कॉनवे और विल यंग से सभी उम्मीदें कर रहे थे कि एक अच्छी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर डिवॉन कॉनवे 28 रन बनाकर ही आउट हो गए और उनके आउट हो जाने के बाद फिर विल यंग का विकेट भी 32 रन पर ही गिर गया। और शुरुआत में ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद रचिन रविंद्र और डेरिल मिचेल ने मिलकर पारी को संभाला, जहां दोनों बल्लेबाज शतकीय साझेदारी के नजदीक थे। लेकिन इसी दौरान डेरिल मिचेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिचेल स्टार्क को कैच थमा बैठे और ये विकेट गिर जाने के बाद कोई भी बल्लेबाज 30 से ज्यादा रन बना ही नहीं पाया, बस जेम्स निसम को छोड़कर। जी हां दोस्तों, जिमी निसम ने आज रचिन रविंद्र का साथ निभाया था और उस बीच रचिन रविंद्र ने अपना शतक भी पूरा कर लिया लेकिन वो भी आउट तो हो गए थे। और यहां पर जब अंतिम ओवर में जीतने के लिए 15 रन की दरकार थी तब जेम्स निसम ने लगभग मैच को अपने नाम कर ही लिया था, लेकिन यहां पर 39 गेंदों में 58 रन बनाकर उनको मार्नस लाबुशेन ने रन आउट करवा दिया और यह मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम के हाथ से निकल गया और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5 रन से जीत हासिल हुई। तो वहीं दोस्तों 5 रन से यह मुकाबला जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पॉइंट टेबल में भी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान दोस्तों जब जेम्स निसम रन आउट हुए तो ऐसा माना जा रहा है कि यह बेईमानी बीच मैदान पर हुई है, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने स्लो ओवर रेट के चलते अपने अंतिम ओवर के लिए अपने 5 खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर रखना था और बाउंड्री पर बचे हुए खिलाड़ी होने थे। लेकिन यहां पर देखा गया कि मार्नस लाबुशेन को मिलाकर 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर थे और आप यहां पर गिन भी सकते हो, और इस तरह से यह गेंद नो बॉल करार दी जानी चाहिए थी लेकिन रन आउट फिर भी जेम्स निसम को दिया गया, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम यह मुकाबला हार गई। लेकिन दोस्तों अब आखिरकार भड़क उठे दिग्गजों ने क्या प्रतिक्रिया न्यूजीलैंड की हार पर दी है, आइए आपको बताते हुए चलते हैं। और कईयों ने तो आईसीसी से तक बड़ी मांग कर डाली। दोस्तों इस दौरान सबसे पहला बड़ा बयान निकल कर आता है, वो है सानिया मिर्जा का, जो कहती है कि आखिरकार इस साल जो भारत में विश्व कप हो रहा है इसमें लगातार कितनी बेईमानियां सामने उजागर हो रही है, अगर ऐसे ही बेईमानियां और भी होती चली गई तो हो सकता है कि वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए भी कोई टीम ऐसी हो जो ऐसे मोमेंट पर आकर हार जाए। हालांकि यहां पर आईसीसी को संज्ञान लेना चाहिए कि बेईमानियां मैदान पर क्यों हो रही हैं। जेम्स निसम साफ तौर पर रन आउट करार नहीं दिए जाने चाहिए थे बल्कि वो गेंद ही नो बॉल दी जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी एम्पायर ने इस बात पर गौर नहीं किया कि स्लो ओवर रेट के चलते 5 खिलाड़ियों को सर्कल के अंदर रखा जाना था और 5 खिलाड़ी सर्कल से बाहर थे मार्नस लाबुशेन को मिलाकर। आखिरकार यह कैसा न्याय है? न्यूजीलैंड की टीम आसानी से इस मैच को जीत सकती थी लेकिन भारत की वजह से वो इस मैच को जीत नहीं पाई और भारतीयों ने पैसा भर के ऑस्ट्रेलिया की टीम को मैच जिताया बेईमानी से। तो वहीं दोस्तों आगे बयान निकल कर आता है, वो है शोएब अख्तर का, जो कहते हैं कि आईसीसी आखिरकार सो रहा है क्या, वर्ल्ड कप में लगातार बेईमानी होती चली जा रही है, पहले मेरे पाकिस्तान की टीम को इन्होंने बाहर करवाया और अब न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उनको भी बाहर कराने की तलाश में ये बैठे हुए हैं, जिससे कि भारत का सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम के साथ हो ही ना, और इसीलिए भारत ये रणनीतियां अपनाता चला जा रहा है। पूरी दुनिया को दिख रहा था कि यहां बेईमानी हो रही है लेकिन इसके बावजूद भी जेम्स निसम को रन आउट करार दिया गया। वहीं दोस्तों बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है शाहिद अफरीदी का, जो कहते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम के साथ बहुत बुरा हुआ, भारत की टीम लगातार मैचेस को स्क्रिप्टेड बनाती चली जा रही है, भारत जानता है कि अगर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल तक पहुंच गया तो उनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा और इसीलिए वो लगातार न्यूजीलैंड को बाहर निकालने के लिए पूरी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही दोस्तों बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, जो निकल कर आता है वो वीरेंद्र सहवाग का, जो कहते हैं कि ये एम्पायर की दिक्कत है कि उसने फील्डर को इस स्क्वाड सर्कल के अंदर देखा या फिर नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी बेईमानी मैदान पर नहीं हुई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ईमानदारी से यह मुकाबला
मुकाबला जीती है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में जो निकल कर आता है वो है सचिन तेंदुलकर का, जो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों टीमों को ढेर सारी बधाइयां। दोनों टीमों ने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, हार जीत तो मैदान पर चलती ही रहती है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरह से अपनी रन चेजिंग एबिलिटी दिखाई, रचिन रविंद्र ने जो शतक जड़ा, जेम्स निशम की पारी देखकर यह वर्ल्ड कप अब और भी अच्छा हो चुका है। तो वहीं दोस्तों बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में जो निकल कर आता है वो है महेंद्र सिंह धोनी का, जो कहते हैं कि अगर इन दिग्गजों को लगता है कि मैदान पर बेईमानी हुई है तो इनको फैसला लेने की पूरी खुलेआम छूट है। अगर आपके पास सबूत है तो आप पेश कीजिए, वरना मेरे देश भारत और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच को भी बेईमान कहना छोड़ दीजिए। तो वहीं दोस्तों यहां पर धोनी का यह बयान सुनकर पूरा भारत देश खुशी से झूम उठा। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि धोनी ने जो कहा है वो सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।